नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हीप्रेस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, हीप्रेस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और हीप्रेस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि हीप्रेस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हीप्रेस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। हीप्रेस टैबलेट एक बीटा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है। बीटा ब्लॉकर दवाइयां दिल की धड़कन को धीमा करती है और शरीर में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। हीप्रेस टैबलेट का उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और एंजाइना को रोकने के लिए किया जाता है। एंजाइना होने पर हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से छाती में दर्द होता है। जिन व्यक्तियों को दिल का दौरा पड़ चुका है, उन व्यक्तियों में आगे दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्टर टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा दिल की धड़कन को सही करने के लिए भी डॉक्टर हीप्रेस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। हीप्रेस एक ब्रांड नेम है। हीप्रेस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एटेनोलोल होता है। हीप्रेस टैबलेट 25 mg, 50 mg व 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि हीप्रेस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में हीप्रेस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में हीप्रेस टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, बीमार महसूस करना, सिर चकराना, वजन का बढ़ना, सांस फूलना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, दिल की धड़कन का धीमा होना, नींद न आना और डिप्रेशन होना आदि साइड इफेक्ट्स हीप्रेस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। लंबे समय तक हीप्रेस टैबलेट को लेने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हीप्रेस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पर, लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, दिल की धड़कन बहुत कम होने पर और गंभीर हार्ट फेलियर होने पर हीप्रेस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना हीप्रेस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको हीप्रेस टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और घी व ज्यादा ऑयली भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हीप्रेस टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और हीप्रेस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हीप्रेस टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों की मानसिक सतर्कता प्रभावित हो सकती है। हीप्रेस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना लेना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना हीप्रेस टैबलेट को बंद करने से दिल से संबंधित समस्याएं या का दौरा पड़ने का जोखिम अधिक हो जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए हीप्रेस टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को हीप्रेस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हीप्रेस टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एटेनोलोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। डोज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हीप्रेस टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको हीप्रेस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना हीप्रेस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हीप्रेस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।